हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आपने भी जुलाई 2023 सेशन में इग्नू में फ्रेश एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इग्नू द्वारा आपके प्रोग्राम वाइज इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, इग्नू में डिफरेंट रीजनल सेंटर्स में सभी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नियर लोकेशन। ओके, सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट का क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंडक्शन मीटिंग। सो इंडक्शन मीटिंग क्या है, इंडक्शन मीटिंग कब होती है, कैसे होती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास स्टूडेंट्स के हैं जिसके जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। रिगार्डिंग इंडक्शन मीटिंग आपके सारी क्वेरीज सॉल्व होने वाली है। सो मेक श्योर कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखिएगा, बिकॉज आधी इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए उतनी यूजफुल ना हो। सो चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन ऑन। सो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स इग्नू यूनिवर्सिटी में होने वाली इंडक्शन मीटिंग। सो सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको कि इंडक्शन मीटिंग क्या होती है। स्टूडेंट्स की क्वेरी है, हमें नहीं पता इंडक्शन मीटिंग क्या होती है, क्योंकि फ्रेंड्स रीजनल सेंटर्स की तरफ से ये कंडक्ट कराई जाती है और इसका नोटिफिकेशन भी आपको रीजनल सेंटर्स पर ही देखने को मिलता है। और इंडक्शन मीटिंग के लिए नोटिफिकेशन आपको आपके रीजनल सेंटर द्वारा आपके फोन्स पर भी भेजा जाता है। तो इंडक्शन मीटिंग इज द इंट्रोडक्शन मीटिंग, द ओरिएंटेशन मीटिंग, जिसमें आपको आपके प्रोग्राम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है। आप जानते हैं इग्नू में आपको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सभी प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, जो भी प्रोग्राम आप इग्नू से परस्यू करने वाले हैं। सो उसमें फ्रेंड्स आपको असाइनमेंट्स भी देने होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, थ्योरी एग्जाम्स भी होते हैं और आपका 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक आपका कोर्स होता है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन वही इंडक्शन मीटिंग होती है। इंडक्शन वर्ड का मीनिंग यही है, ओरिएंटेशन मीटिंग आप सकते हैं इसे। आपको सारा स्टेप वाइज बताया जाता है क्योंकि कब, कैसे, कहां, क्या होता है वो सब आपको बताया जाता है। तो इंडक्शन मीटिंग होती कब है, जैसा कि आप जानते हैं इग्नू में अभी एडमिशन ओपन है। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो 31 जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स जब एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, मतलब जैसे आप जानते हैं 31 जुलाई आपको एडमिशन की डेट बताई गई है, बट इसे फर्दर एक्सटेंड करने के भी चांसेस हैं। जब आपकी इंडक्शन मीटिंग होती है तब एटलीस्ट आपके 1 से 2 महीने आपके एडमिशन क्लोज हुए हो जाते हैं, उसके बाद आपको इंडक्शन मीटिंग प्रोग्राम में इनवाइट किया जाता है। और फ्रेंड्स स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि इंडक्शन मीटिंग होती कहाँ है। सो फ्रेंड्स इंडक्शन मीटिंग 2 मोड्स में होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आफ्टर कोविड इग्नू में ऑनलाइन बहुत सारी एक्टिविटीज होने लगी हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो इंडक्शन मीटिंग भी उनमें से एक है। तो या तो आपकी इंडक्शन मीटिंग ऑनलाइन होती है जिसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है इग्नू की तरफ से। सो यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द लिंक ज्वाइन करते हैं तो आप उस मीटिंग में आ जाएंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या ऑफलाइन हो सकती है जिसके लिए आपको अपने रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर जाना हो सकता है, बट ये आपके रीजनल सेंटर पर ही डिपेंड करता है और वही नोटिफिकेशन में आपको बताया भी जाएगा कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन। सो इसके लिए आप बिल्कुल भी फिकर ना करें। सो फ्रेंड्स ये भी वही क्वेश्चन है कि कहाँ होती है, कैसे होती है। देखिए रीजनल सेंटर पर होती है जनरली, अगर नहीं तो ऑनलाइन होगी तो आप अपने घर पर अपने डिवाइस से भी ज्वाइन कर सकते हैं या जहां भी आप अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेरी है स्टूडेंट्स की, क्या इंडक्शन मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी है। सो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंडक्शन मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी तो नहीं है, बट अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड होगा। क्योंकि जब आप इंडक्शन मीटिंग अटेंड करते हैं तो स्टूडेंट्स की ऐसी बहुत सारी क्वेरीज होती है जो आप डायरेक्टली फेस टू फेस पूछना चाहते हैं, जैसे कि वहां पर आपके काउंसलर्स भी अवेलेबल होंगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको अटेंड करनी है, मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ आपके लिए रखी गई है, आपकी सुविधा के लिए रखी गई है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स जिनकी क्वेरी बार बार स्टूडेंट्स की हमारे पास आ रही थी कि जुलाई 2023 सेशन के लिए कब इंडक्शन मीटिंग होगी, क्या होता है, कैसे होता है। सो फ्रेंड्स आई होप मैंने ये सभी क्वेरीज आपको इसमें क्लियर करने की कोशिश की। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इग्नू में एडमिशन नहीं लिया तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए डेट अभी एक्सटेंड कर दी गई है टिल 31st of July। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जरूर कनेक्टेड रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।